अस्सलाम वालेकुम। आज एक मेन इशू हाइलाइटेड है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर बीएस में हमें जाना चाहिए या हमें एमएमएससी में जाना चाहिए। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने अपना बैचलर्स का रिजल्ट लिया और उनका रिजल्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट डिवीजन के साथ हो गया, सेकंड डिवीजन के साथ हो गया। और सेकंड डिवीजन वालों और फर्स्ट डिवीजन वालों को मैं भी ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपका एडमिशन बीएस में होगा या एमएएमएससी में होगा। ये इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं एडमिशन क्राइटेरिया सारा उसमें और टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगा। इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एमएएमएससी करनी चाहिए या बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर में जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ने भी ये पूछा कि सर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में मैं एडमिशन लेना चाहिए या एमएएमएससी में लेना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, द बिग डिफरेंस बिटवीन एमएएमएससी एंड बीएस। तो अगर इंटरनेशनली ये देखा जाए, हमें अगर पाकिस्तान में देखते हैं तो एमएएमएससी और बीएससी में बीएस में कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन इंटरनेशनली मार्केट में अगर देखा जाए तो बीएस एक ऑनर्स डिग्री है और उसकी बहुत ज्यादा एक वैल्यू है और वैल्यूएबल डिग्री है अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम कंपेयर करते हैं एमएएमएससी के साथ। और पाकिस्तान में भी अगर एमएएमएससी और बीएबीएससी को खत्म करके बीएस ही रहने दिया गया है तो इट मींस के इंटरनेशनली जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती जिस बेस पे। और अगर बीएस प्रोग्राम्स की इंटरनेशनली बात की जाए तो ये बहुत देर पहले से है। मुझे याद है मैं मिडिल में था तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था अमेरिका, मुझे याद आ गई बात तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो वो मुझे कहता था कि यार हमारे यहाँ वहाँ पे वो अमेरिका में होता था तो कहता कि यार आपके यहाँ पे 1200 नंबर और 1000 नंबर 1100 नंबर और यहाँ पे आपको पास करना पड़ता है, हमारे तो चार नंबर होते हैं और सेंट्स में काउंटिंग होती है। मैं तब सोचता था कि चार नंबर हैं सिर्फ और चार नंबर में तो पास होना और बल्कि डिवीजन लेना और फर्स्ट डिवीजन लेना बहुत ही आसान काम है। लेकिन अब जैसे ही बीएस का पता चला है तो ये सारा कुछ देख के तो बंदे के जहन में आता है कि यार वो ये चार नंबर भी हमारे 1200 नंबर के इक्वल ही हैं। ठीक है, तो काइंडली मैं आपको ये जो मेरी अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप चेक करें तो मैं आपको यही कहूँगा कि बीएस की तरफ जाएं। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बीए बीएससी बीएस और एमएएमएससी एमएएमएससी अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट रह के करना चाहते हैं, आप लड़की है या कोई लड़का है जो कॉलेज नहीं जा सकता या किसी इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकता या वो जा नहीं सकता वहाँ पे, तो एमएएमएससी में एडमिशन लें। आप प्राइवेट करें ज़रूर, लास्ट चांस है, आप कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमएएमएससी में या बीएस में हमें कौन से सब्जेक्ट में नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहिए तो इसके लिए अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी इस पे होगी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये फायदेमंद चीज रहेगी। और अगर हम एमएएमएससी को छोड़ के बीएस की बात करें तो मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी स्टडी को परस्यू करने के लिए तो काइंडली गो फॉर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर। एमएएमएससी के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपने वहाँ पे भी 2 साल लगाने हैं, वहाँ पे भी 2 साल लगाने हैं, लेकिन जो हमें ज़्यादा वैल्यूएबल डिग्री है मिल रही है तो हमें वही अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए बजाय इसके कि हम। और एक चीज़ अगर हम जॉब की बात करते हैं, ना तो आपको बीएस बेस पे जॉब मिलनी है ना आपको एमएएमएससी बेस पे जॉब मिलनी है। अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए, यहाँ पे भी अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ये इंस्टेड ऑफ कि अगर आप पीपीएससी या एफपीएससी के एग्जाम्स पास कर लेते हैं और चले जाते हैं तो वो तो बैचलर्स बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे एज ए टीचिंग भी जाना चाहते हैं, एज ए लेक्चरर या एज ए प्रोफेसर या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको एमफिल या पीएचडी करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अपनी बेस जो बना रहे हैं तो इस पे आप एमएएमएससी और बीएस में जो आपको मैंने डिफरेंस बताया इंटरनेशनली मार्केट में भी और पाकिस्तान में भी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर एमएएमएससी और बीएस को कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं पे जॉब के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे या किसी भी जगह पे बीएस वालों को एमएएमएससी पे प्रेफर जरूर किया जाता है। सो प्लीज अपना डिसीजन ये सोच के लें कि अगर आपने रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लें, आप जस्ट एक महीना या डेढ़ महीना वेट कर लें, फॉल में जाकर एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ओपन है, 16th of July लास्ट डेट है और मैंने फी भी अपने लास्ट वीडियो में मैंने बता दी थी कि 6000 समथिंग फीस है पार्ट वन की। और आप एडमिशन लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।